प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पाक्योंग में बने सिक्किम के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। मोदी बागडोगरा से MiG-8 हेलीकॉप्टर से रविवार की शाम यहां पहुंचे और सेना के लीविंग हेलीपैड पर राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री पवन चामलिंग और अन्य ने उनकी आगवानी की। सेना के हेलीपैड से प्रधानमंत्री का काफिला करीब 5 किलोमीटर का सफर तय कर राजभवन पहुंचा, जहां मोदी ने रात्रि विश्राम किया। आज सुबह उन्होंने पाक्योंग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, जो कि सिक्किम का पहला हवाई अड्डा है। साल 2009 में इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की नींव रखी गई थी और आज करीब 9 साल बाद सिक्किम का यह सपना पूरा हो गया है। यह हवाई अड्डा गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर दूर है। आपका अपना एयरपोर्ट के बनने से आप सभी को देश के दूसरे हिस्सों में आने जाने की सुविधा तो मिलेगी ही, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी। यहां जनसंख्या से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मुझे बताया गया है कि एयरपोर्ट ना होने के बावजूद राज्य की कुल आबादी से 1.5 गुना पर्यटक यहां आते हैं। अभी एयरपोर्ट बन जाने के बाद पर्यटकों की संख्या इतनी सीमित नहीं रहने वाली है, मान के चलिए। इस दिवाली में ही दिखाई देगा, इस दुर्गा पूजा में ही दिखाई देगा कि किस प्रकार से टूरिस्टों का मेला लगने वाला है। यहां एयरपोर्ट सिक्किम के नौजवानों के लिए रोजगार का नया गेटवे साबित होने वाला है। इम्फाल शहर के मजोरखुल गेट के समीप आज सुबह तकरीबन 6 बजे हुए शक्तिशाली IED धमाके में 6 लोग घायल हो गए। घटना में घायल हुए ये श्रमिक विस्फोट स्थल के पास ही सुबह चाय पी रहे थे। इनमें से 4 श्रमिक बिहार के और 2 उत्तर प्रदेश के हैं। घायलों को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक घायलों को हल्की चोटें आई है और सभी खतरे से बाहर है। इधर किसी भी भूमिगत संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। हम काम पर जाने वाले थे, वो चाय पी के हम जैसे काम पर जाएंगे और तो उसके बाद धमाका हो गया। तो बाद में पता चला आपको लग गया? हाँ, बाद में पता चला लग गया सर। कहाँ पर लग गया था? ये पीछे लग गया सर। आदमी तो सर बहुत था, 20-25 आदमी था। मालूम नहीं सर पहले से छा है या बाद में रखा, वो मेरा पता नहीं है सर। रविवार को मेघालय के 500 साल पुराने नर्तियांग दुर्गा मंदिर में एक पुरोहित को लेकर भक्तों के 2 गुटों के बीच झड़प हो गई। पूजा करने का वैध अधिकार किसे है, इस बात को लेकर दोनों गुटों में बहस छिड़ गई। एक गुट पुराने पुरोहित से ही मंदिर में पूजा करवाना चाहता था, जबकि दूसरा गुट नए पुरोहित को नियुक्त करने के पक्ष में था। ये विवाद पिछले 1 महीने से अधिक समय से चल रहा था और मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप की मांग की गई थी। रविवार को पुनः मंदिर में इकट्ठा हुए लोगों के बीच बहस छिड़ गई और परिस्थिति इतनी बिगड़ गई कि इस पर काबू पाने के लिए पुलिस को बुलाया गया। आइजोल में पहले मिजोरम इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड हस्ती गुलशन ग्रोवर, उमेश शुक्ला समेत मिजोरम फिल्म जगत की हस्तियां भी उपस्थित थी। महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री लालथन हावला ने किया था, जबकि इसके समापन समारोह में राज्यपाल कुंभनम राजशेखरन उपस्थित थे। मिजोरम सरकार और इनोवेशन इंडिया ने संयुक्त रूप से महोत्सव का आयोजन किया था। कार्यक्रम में MISFF के क्यूरेटर राहुल बाली ने कहा कि सिनेमा जगत से MISFF को अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। 3 दिवसीय इस इवेंट में दुनिया के विभिन्न स्थानों और मिजोरम से 82 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। महोत्सव के पहले ही दिन गुलशन ग्रोवर ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजयी लघु फिल्म फॉरबिडन की स्क्रीनिंग की। त्रिपुरा में राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना लॉन्च की है। अगरतला के चिल्ड्रन पार्क में लॉन्चिंग के दौरान मुख्यमंत्री बिप्लब देव, स्वास्थ्य मंत्री सुदीप बर्मन, विधायक आशीष साहा, विधायक रामप्रसाद पाल और मुख्य सचिव संजीव रंजन भी उपस्थित थे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री देव ने कहा कि इस केंद्र योजना से राज्य के 25 लाख लोगों को फायदा होगा। विकास योजनाओं के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा किसी भी प्रधानमंत्री ने देश की गरीब जनता के लिए इतनी सारी योजनाएं नहीं बनाई थी। इधर राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने कहा कि इस योजना से देश के 10 करोड़ परिवारों को फायदा होगा और यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है।